आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि सन 1987 में जब दूरदर्शन पर रामायण आया करती थी तो उस समय देश के हर गली मोहल्लों में कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाया करता था। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान अपने चैनल लेट्स फोकस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत करता हूँ। ये दौर था सन 1988 का, जब टीवी सीरियल्स का इतना बोलबाला नहीं था, और अगर था भी तो वो प्यार और दिलचस्पी केवल रामायण में देखने को मिली। उस समय कई निर्माता निर्देशकों ने अपने अपने तरह के धार्मिक सीरियलों को दूरदर्शन पर प्रसारित करने का विचार किया, पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये डर भी था कि क्या वो रामायण जैसे महाकाव्य और रामानंद सागर के इस सीरियल के लेवल को टच कर पाएंगे। खैर, बीड़ा उठाया निर्देशक बीआर चोपड़ा ने, और उन्होंने दूरदर्शन पर 2 अक्टूबर सन 1988 को पर्दे पर अपना महाकाव्य महाभारत का प्रसारण किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाभारत को भी लोगों ने वही प्यार दिया जो रामायण को दिया था, और देश ही क्या विदेशों में भी महाभारत ने लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। खैर, मैं आज बात करूंगा बीआर चोपड़ा के महाभारत के उन 10 दिलचस्प पहलुओं पर जिनके बारे में शायद आप लोग ना जानते। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं महाभारत के उस दौर में। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में भीष्म का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना जी को सबसे पहले दुर्योधन के किरदार के लिए चुना गया, पर मुकेश खन्ना नहीं चाहते थे कि वो सीरियल में एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करे, तो उन्होंने इस किरदार को करने से साफ इनकार कर दिया। क्या आप जानते हैं कि उस समय महाभारत को बनाने में कुल कितनी लागत आई थी? तो मैं बताता हूं कि महाभारत को बनाने में उस समय लागत आई थी करीब 9 करोड़ रुपए। दोस्तों, महाभारत में शकुनी के किरदार को शायद ही कोई भुला सकता है। उस किरदार को निभाने वाले एक्टर का नाम था गुफी पेंटल, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गुफी पेंटल महाभारत सीरियल के कास्टिंग डायरेक्टर भी थे। इस सीरियल की सबसे अहम बात, इस सीरियल में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली पहले इस किरदार की पसंद नहीं थी। इस किरदार के लिए सबसे पहले चुना गया था अभिनेत्री जूही चावला को, पर उस समय उनकी फिल्म कयामत से कयामत तक की शूटिंग की वजह से वो करने से मना। आप लोगों को बता दूं कि महाभारत सीरियल को शूट करने का सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा था? सबसे डिफिकल्ट पार्ट था महाभारत के वॉर सीक्वेंस को शूट करने का, जिसे शूट करने में बहुत दिक्कत और मशक्कत लगती थी। महाभारत में अभिमन्यु के किरदार को निभाने वाले मास्टर मयूर, जिन्होंने इस किरदार में जान फूंक दी थी। क्या आपको मालूम है कि इस किरदार के लिए सबसे पहले किसे चुना गया था? तो मैं आपको बता दूं कि इस किरदार के लिए सबसे पहले गोविंदा और चंकी पांडे को शॉर्टलिस्ट किया गया था। महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार असल जिंदगी में एक एथलीट थे। क्या आपको मालूम है कि महाभारत में नकुल और सहदेव का किरदार जिन्होंने निभाया था, वो असल जिंदगी में भी सगे भाई थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन का किरदार बहुत लोकप्रिय हुआ था, और उस किरदार को निभाया था फिरोज खान ने। पर क्या आपको मालूम है कि फिरोज खान इस किरदार की पहली पसंद नहीं थे? इस किरदार के लिए सबसे पहले चुना गया था जैकी श्रॉफ को, पर जब उनका ऑडिशन हुआ तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और चुना गया फिरोज खान को। आपको बता दूं कि महाभारत उस समय का सबसे बड़ा सीरियल था, और महाभारत के हर किरदार को निभाने के लिए उस समय करीब 15,000 न्यू कमर एक्टर्स ने अप्लाई किया था। तो मैं आशा करता हूँ कि लेट्स फोकस की आज की इस पेशकश को आपने पसंद किया होगा। इसी तरह की मैं और भी जानकारियाँ आपसे साझा करता रहूँगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि क्या आप ऐसी किन्हीं चीज़ों के बारे में जानते हैं या किसी सीरियल के बारे में जानते हैं जिनके फैक्ट्स लोगों को नहीं मालूम है।
तो मैं उनको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। टिल देन लेट्स फोकस।